ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਧੰਨਵਾਦ जो हमर वेद होती मेरे ससुरा सबेद तुम हर जानो हम रोलते फिरते कोई बात ना पूछता गुरु सतगुरु संग गुरु नानक जन केरा जित मिले चुप सब जोग संतापे आनंद गुण निदान गुण निदान गुण निदान निधान गुण गुरु गरीब बनवा गुरु गरीब बनवा गरीब लिवा गरीब लिवा गरीब आज गरीब सारंग महला पंजवा धन गुरु अर्जन देव जीओ महाराज ये समा सारंग दा है पोथी परमेश्वर का परमेश्वर का जपो को परमेश्वर का परमेश्वर परमेश्वर का
हो सकता है शब्द आप जी ने सुनिया हो, क्योंकि 1430 अंक का खजाना जेड़ा कदी भी मुकन वाला नहीं, असी मुक चले हैं, पर ये खजाना कदी नहीं मुकना। गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह जी जी ये वचन हैं, पौड़ी है, पौड़ियां ते वारां साढ़े कीर्तने घट पड़ते हैं, पर सतगुरु का अध्ययन ते असा ही करना है, सारे खोजना ते असी है, लभना ते असी है। सतगुरु जी का एक एक अखर जेड़ा है वो गाउन वाला है, गुरु नाल जोड़न वाला है, साहब नाल जोड़न वाला है। इसे करके सच्चे पातशाह ने बचन आखे सन, बाणी गुरु गुरु है, इहदा मकसद ही है। फिर नाल आख्या भी विच बाणी अमृत, सारे ही अमृत। फिर अगला बचन भी मान लेना आप, सारिया ने मनना है, गुरबाणी कहे। गुरु रामदास का बचन एक थां होर है, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। मनना तो पैना ही है जी, बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख। फिर निस्तारे सारे इत्थे ही होने, गाहां जाके किसी ने कुछ नहीं वेख्या, दुख की है ते सुख की है, किनू की पता उत्थे दुख मिलना के सुख मिलना है, तुहानू सारा कुछ इत्थे ही है, सब कुछ इत्थे साडे जीवन नाल बतीत हुंदा, साडी लाइफ नाल बीतदा हर गल, ते कईआं नूं ते समझ आ जांदी है ते कईआं नूं नहीं आउंदी। ते जिन्हूं समझ आ गई है वो अपने स्वास सफल कर सकदा है, जिन्हूं समझ आ गई नहीं तो आप तुरे ही फिरते हैं, कोई किसी दिशा वल जा रहा है, कोई किसी दिशा वल जा रहा है, पता जे साहब की कहते हैं चतुर दिशा आप रोज पढ़ते हैं शब्द, ते अर्थ भी पढ़िया करो, ट्रांसलेशन भी पढ़िया करो, ये गुरु साहब सानू कहते की है, चारों दिशाएं चतुर दिशा, फिर आखो सारे कीनो, सिर ऊपर कृपा कटाक अवलोकन कीनो, हाथ जोड़ो सारे, दास का दुख मंगया कर, बस पाछा हर पासे तू ही तेरी कृपा है, ते जे रहम ते नजर प्यार वाली नजर किते साडे ते पा देवे, हर जन राख है गुर गोबिंद। अगे पढ़ो जी, कंठ फिर की करता है अवगण, असी अगे होवांगे ना एक कदम, गुरु कई कदम तुहानू अगे लैण वास्ते उन्हें तुर पैना है, आ मेरे प्यारे आ सिखा मेरे गल नाल लगदा, पर असी अगे भी तो होई है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे चरण शरण गुर एक पेंडा, तू एक एक कदम चलिया ना घरों, तू ये मन बना के चलिया भी मैं हुण
अज गुरु घर चलना है, कीर्तन सुनना है, कथा सुनना है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे दीदार करने ने, दर्शन करने ने। ते सतगुरु कहिंदे ने चरण शरण तू बस मन बना लै, तू एक कदम पटेगा। चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल। ते भाई साहब कहिंदे ने सतगुरु कोट पेंडा आगे होए। ये है वडियाई मेरे पातशाह दी, ये है देन मेरे सतगुरु दी, जड़ी देन साड़ी झोली च पाई है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पवित्र बाणी। वडियाई सच्चे तन गुरु अर्जन साहब जी सच्चे पातशाह कहते हैं, कहते ने मैं तेरी कितनी वडियाई कह रहा, तू बेअंत है, तेरे नाम नाम। अगला वचन बड़ा ही प्यार वाला है। पातशाह कहते ने हों जीवा मैं जीवदा ही ताना, हों जीवा सुन बड़े प्यारे अक्षर ने, बड़ी प्यारे बोल ने गुरु अर्जन साहब जी सच्चे पातशाह। याद रखिया करो, सिमरदे रहा करो जेड़ा वचन। जिवें जिवें सिमरते जाओगे, जिवें जिवें जपते चले जाओगे, वो जाप वो सिमर फिर अंदर वाला जाप भी बन सकता है। बोलो श्री, फिर इन्हां बुलां ने नहीं जपना, फिर अंदर जपी जाएगा तो आड़े कान सुनी चले जाएंगे, कान सुनने। जिन्हों कहते ने शब्द गूंजता है, वो शब्द वो धुन वो आवाज मैं पहले भी वचन कर चुका, इस हृदय अंदर सारा कुछ है, सारा कुछ है, सिर्फ लभण की लोड़ है। लभेगा कितों? गुरु के जो प्रभु को मिल, आखो सारे जो प्रभु को मिल की करना है जी, खोज शब्द। किसी ने पूछन की लोड़ नहीं, किसी को जान की लोड़ नहीं। पता नहीं किन्ने भागा वाले होंगे जिन्हों अज ही लभ पाएगा, कोई पता है? किदे भाग जाग जाने ने, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे। पढ़ो सारे, पूर्व कर्म अंकुर जब की बनेगा जी, टेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की। वो फिर बस आओ सत्य पातशाह दे नाम दियां वडियाइयां दा गुण गायन करिए। वडियाई सच्चे नाम की, हो जीवा सुन सुने, हो जीवा सुन सुने, हो जी।
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਹਾਵ ਕਰ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੂਤ ਨੇ ਭੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਤ ਪਥਕ ਤਹਿ ਮਾਰਗਨ ਧਾਰੇ ਪਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲ ਲਓਗੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾ ਬਣ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਭੂਤ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਧਾਰੇ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਲ ਤਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਲ ਲਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਲ ਲਿਆ ਕੜਾਏ ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਰੇ ਅਗਿਆਨ ਪਸ਼ੂ ਪਰੇ ਅਗਿਆਨ ਉਧਾਰੇ ਇੱਕ ਖੜੇ ਉਧਾਰੇ
कम ते हथां पैरां नाल करने ले पर हिरदा जपदा रहना चाहिदा है। फिर वेख्या जे थोड़ा ही समा लगना जे ऐसा आनंद बन जाएगा इस जीवन का, ऐसा आनंद बन जाएगा एदे वर्गा आनंद होना ही कोई नहीं। हर कीर्तन गाइए दिन सरैन, हर कीर्तन गाइए सो जन जम की बाट न पाइए, ਸੋ ਜਨ ਜਮ ਕੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਦਿਨ ਸਰੈਨ। ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਪੜੋ ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ,
दुनिया सारी मेरे को ला। और साहब कहते ने सब कुछ नाए तेरा त्रापी है। कृष्णा भुख बिकरा नाए तेरा त्रापी शब्द है होंवारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ये सिंधी लैंग्वेज है। गुरु ग्रंथ साहिब बड़ी तरह दी भाषा ने बड़ी तरह की लैंग्वेज है। साहब कहने ने रोग सोग दुख वंजे चले जाते पर जाते किवें जिस नाउ मन बस सतगुरु तो साफ साफ कह रहे हैं हुण साडी मर्जी है असी रोग ते दुखां नूं किवें दौड़ाना है किवें बाहर कढ़ना है। यही चीजां ते असी कई बारी पुछना पुछ पाउण चले जाने ते बाबे नूं पुछदे नहीं असी सतगुरु नूं पुछदे नहीं व्यक्तिगत बंदियां को चले जाने हैं। बाबा जी रोग बड़े लग गए ये नहीं पता होता बाबा आप रोगी है बाबे नूं आप कई तकलीफा ने बस इसे गल की घाट है साढ़े बस इस घाट नूं असां पूरिया करना है साथ रोग देखो नाल ही क्वेश्चन है नाल ही आंसर है फिर असी क्यों पूछना किसी ने जाके। हाँ अगर समझ ना आती हो ट्रांसलेशन साडे कोल है प्रोफेसर साहिब सिंह जी होरां दा टीका साडे कोल है भाई साहब भाई डॉक्टर भाई साहब भाई वीर सिंह होरां दा टीका साडे कोल है। जे किसी भी चीज का ना समझ आवे तो फिर महान कोश भाई साहब भाई कान सिंह नाभा उहदा ओ पोथी खोल के वेख लो तुहानू उहना सारा ही निर्णा करके दिखा देना एक एक अक्षर का ट्रांसलेशन है उहना भाई कान सिंह नाभा पुस्तक का नाम है महान कोश पढ़ांगे नहीं अजकल तो नैट है सारा कुछ मेरा ख्याल है सब कुछ ये ही है कितने जान दी
ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਲੱਭਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਧੁਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ ਭਾਈ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਵੰਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਵਸੇ, परापत लाल सह परापत लाल, जो गुर शब्दी रस है तिसह परापत लाल, जो गुर शब्दी कबीर साथ समुंदर मस करो, कलम करो बन राय। कबीर जी कहते ने जे सात समुंदरां दा मैं पानी लै गया, मस करो, मस कहते ने स्याही बनाओ, सत समुंदरां दा पानी लैके उहदी स्याही बना लो। कलम करो बन राय, एक बारी आखो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहेगुरु। कबीर सात समंदे मस्तरो कलम करो बनरा जितने भी जंगल हैं पेड़ पौधे हैं लकड़ है उन्हां दियां कलमां बना लो कलम जिन्हां ने छोटी उम्रे स्याही खोलदे सी असी लकड़ दी कलम घड़दे सी शीशे दी दुआ ते च पा के स्याही उहदे नाल बोड़ बोड़ के लिखी दा सी उस तो पहले लिखी किहदे दा सी लकड़ दी फट्टी हुंदी सी ਉਹਨੂੰ ਗਾਚਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਚਨੀ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸੁਕਾਈ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਆਤ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕੂੜਾ ਐੜਾ ਏੜੀ ਸੱਚਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਗਈਆਂ ਕਲਮਾਂ ਗਈਆਂ ਦੁਆਤਾਂ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਆਉਣ ਡਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਹੈ ਮਸ ਕਰੋ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨਰਾਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲੱਕੜ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कलम करो बन राय वसुधा धरती सारी धरती नू मैं कागज बना लवां वसुधा कागज जो करो हर जस लिखन ना जा हे निरंकार तेरा फिर भी लीला तेरी उस्तत मैं नहीं लिख सकता बोलो श्री वाह खंड ब्रह्मांड व्यांत उदाहरण हारिया खंड ब्रह्मांड व्यांत उदाहरण हारिया तेरी शोभा सच्चे मेरे प्यारे तेरी शोभा सच्चे मेरे प्यारे सच्चे मेरे प्यारे सच्चे मेरे प्यारे
हुकम होया सी आप बचन पढ़ लीए तो जिथे जकारा आवे उत्थे तुसां ढिल्या नहीं पैना। ऐसे धुंध कलेश में कपियो संसारा तह बिन सतगुरु को है नहीं
ऐसे खड़ग दिखाए हैं ने को सके न झेला, कह ऐसे खड़ग दिखाए हैं ने को सके न झेला, कह ऐसे खड़ग दिखाए हैं ने को सके न झेला, कह ऐसे खड़ग दिखाए हैं ने को सके न झेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। सारे सारा जकारा चढ़ाना करो कृपा सारे बोले कोट तलवार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का कोटान कोट धनवाद आप सारिया संगतां दा बहुत प्यारे प्रबंधक सज्जन मैनेजिंग कमेटी सारिया दा बहुत 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 धनवाद गुरु मेहर करन बख्शिश करन गुरु के लंगरां वास्ते गुरु की इमारतों वास्ते दसवंध जरूर कढ़िया करो सात संगत जिन्हां दसवंध कढ़ोगे दस गुणा तुहाडी झोली फिर पैणा जी बस इन्ना चेता रखिया इजाजत दिओ जी असी हुण चले ला सारिआं दा थैंक्स ला बहुत बहुत धन्यवाद ला एक बारी फिर फतेह बुलाओ सारे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।